बहुत टाइम से ना हमने वो एक अमेजिंग कॉलेज ड्रामा वाली फिल्म देखी नहीं है, बट फाइनली बिजॉय नामवियार गेट्स दिस जॉनर ऑन द बिग स्क्रीन विथ हिज मूवी दंगे। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल एंड टुडे आई एम हियर टू रिव्यू द मूवी दंगे। वेल, दंगे इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सीनियर्स जो होते हैं एक कॉलेज में, जिसमें है जी प्लेड बाय हर्षवर्धन राणे, ऋषिका प्लेड बाय निकिता दत्ता, गायत्री प्लेड बाय तीजे भानु, और ऑफ कोर्स देयर आर अदर फ्रेंड्स आल्सो। इनका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, ये सारे सीनियर्स होते हैं एक कॉलेज में। देन एंटर्स यूवी जो एक जूनियर है। नाउ यूवी एंड जी ना दे शेयर अ डार्क पास्ट, वो क्या है ऑफकोर्स वो जाने के आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, बट दे शेयर अ डार्क पास्ट। एंड नाउ जब ये लोग एक साथ एक कॉलेज में पढ़ने लग जाते हैं, हाउ दे आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर और किस तरीके से दंगे होते हैं, दैट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। वेल, द मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय बिजॉय नामवियार एंड आई हैव टू से के यू नो It's a treat to watch a Bijoy Nambiar film on the big screen. और करीबन 7 साल बाद you know एक Bijoy Nambiar की फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है। जी हाँ, उनकी जितनी भी फिल्म थी, वेब सीरीज थी, हमने OTT पे बहुत टाइम से देख रहे हैं, बट फाइनली आफ्टर नियरली 7 ईयर्स एक Bijoy Nambiar फिल्म थिएटर्स में आई है एंड आई हैव टू से दैट दिस इज वर्थ अ वॉच। तो जाके सबसे पहले तो टिकट बुक कर ही दीजिए दंगे की, बिकॉज इट इज एन एंटरटेनिंग एंगेजिंग फिल्म। फर्स्ट हाफ तो अमेजिंग है मूवी का, आई मीन आप हुक्ड रहोगे स्क्रीन पे एंड यू विल बी लाइक वाओ क्या मजा आ रहा है। बिजॉय हैज नरेटेड दिस फिल्म लाइक यू नो जैसे बुक में एक चैप्टर आता है, वैसे यू नो एक चैप्टर करके इस मूवी को दिखाया गया है, नरेट किया गया है एंड इट हैज बीन डन वंडरफुली। सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी यू नो डिप हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, आपको लगेगा कि कोई सीन्स थोड़े स्ट्रेच्ड है, बट देन द लास्ट 45 मिनट्स आर जस्ट अमेजिंग। यू नो आई वांट टू से कि बिजॉय नामवियार की फिल्म में ना एक चीज जो होती है ना वो हमेशा हम इम्प्रेस करती है, दैट इज बैकग्राउंड स्कोर। और दंगे का भी बैकग्राउंड स्कोर लाइक फैंटास्टिक है। यू नो आफ्टर एनिमल आई थिंक 4 महीने हो जाएंगे एनिमल को नियरली रिलीज हो गए, एंड आफ्टर एनिमल आई थिंक दंगे का ये बैकग्राउंड स्कोर है जिसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। एंड द बैकग्राउंड स्कोर इज सो इफेक्टिव ना कि जब आप थिएटर में बैठ के देख रहे हो ना तो आप बहुत इंजॉय करोगे इस मूवी को बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर। लाइक इतना अमेजिंग है बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी का। परफॉर्मेंसेस की मैं बात करूँ तो सारे एक्टर्स को एक बहुत अमेजिंग रोल दिया गया है टू शाइन। हर्षवर्धन राणे इज वेरी गुड इन द मूवी, ही इज लुकिंग डैम गुड एंड यू नो उनके फैंस के लिए मूवी एक ट्रीट होगी। एंड यू नो ही हैज परफॉर्म, जो एक इंटेंसिटी उनके कैरेक्टर को चाहिए थी वो प्रॉपरली लेके आए हैं। एहान भट्ट इज अ सरप्राइज फॉर मी, ही इज अ रेवलेशन। लाइक यू नो 99 सॉन्ग स्टारफिश, उन्होंने उसमें रोल अच्छा किया था, बट इन दिस मूवी ही इज जस्ट सम अनदर लेवल। आई मीन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एहान भट्ट ऐसा रोल करेंगे और इतनी अमेजिंगली करेंगे, तो आई थिंक ही इज जस्ट फैंटास्टिक इन द मूवी। निकिता दत्ता इज ऑल्सो वेरी गुड, उनको कुछ इमोशनल सीन्स दिए गए हैं इन द फिल्म दैट शी हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। तीजे भानु हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड शी हैज पोर्ट्रेड इट परफेक्टली, शी इज रियली रियली इंप्रेसिव एंड इन अ लॉट ऑफ सीन्स शी जस्ट स्टैंड्स आउट, यू नो इट्स लाइक दैट वे। जोआ मोरानी हैज अ सपोर्टिंग रोल एंड शी हैज ऑल्सो डन इट वेरी वेल, यू नो शी लीव्स अ मार्क। तो परफॉर्मेंसेज वाइज तो आई थिंक सारे एक्टर्स आर जस्ट वाओ इन द मूवी। एंड जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड स्कोर अमेजिंग है, नरेशन अच्छा है, परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं। वेल, दिस मूवी इज रियली एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग एंड आई वुड लाइक टू से कि यू नो बिजॉय नामवियार ने बहुत स्टाइलिशली उसको प्रेजेंट किया है, बट वो जो ग्रीटी पार्ट, जो रियलिटी वो हमेशा उनकी फिल्म्स में एक होता है डार्क रियलिटी दिखाना, ग्रीटी पार्ट वो भी है और बहुत स्टाइलिशली इसको प्रेजेंट किया है। तो जाइए थिएटर्स में जाके देखिए। आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स।